हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम पहले अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करनी, तो उसके लिए पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो इसमें हमारे टोटल 3 चैप्टर्स टॉपिक्स हैं जो, ठीक है, उसके अंदर सब टॉपिक्स काफ़ी सारे आते हैं। तो हमने सिलेबस को देख के डरना नहीं है, हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और अपना कवर अप करेंगे। तो गाइस बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर हमने ठान लिया है कोई चीज़ करने के लिए तो वो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेबस सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सिलेबस यही है, ठीक है जी। तो पहले हम सिलेबस आज डिस्कस करेंगे, देन कल से नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर जो हमारा आता है या पहला टॉपिक आता है वो है बेसिक मैथ्स ऑफ अर्थमेटिक। आपको बेसिक मैथ की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बेसिक मैथ के अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे। आप ना गाइस सिलेबस को नोट डाउन कर लो, अगर आपने ठान लिया है तो करना है। तो हम क्योंकि सिलेबस करते जाएंगे तो आप टिक मार्क करते जाना, अभी हमारे पास टाइम भी है और वही मेथड्स हमने अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर ये सोचे हमने एक बार सीख लिया तो हम थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाएंगे, बट अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे अपनी स्टडी में तो हमें वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि मैथ्स है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, जैसे हम पढ़ते हैं वही चीज़ें हैं। तो हमें इसको याद करने के लिए एक ही तरीका है कि हम इसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है जी। गाइज इसको नोट डाउन कर लो, साथ साथ जो सिलेबस आपको बता रही हूँ, देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेस एंड ऑफ गेम ऑफ स्किल, देन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, या आप बोल सकते हो कि ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट देखो आगे अब कौन से हैं। आगे आता है सेकंड नंबर पे हमारा एडवांस मैथ। इसके अंदर हमारे 6 टॉपिक्स कवर होते हैं, ये जो लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, एडवांस मैथ के अंदर। पहले हमें इसके लिए बेसिक मैथ सीखना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना हम सीधा सेकंड पे जाएंगे या थर्ड पे जाएंगे, हम इसको लाइन वाइज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हमारा आएगा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में देखो हमारे 6 टॉपिक है। पहला है हाइट एंड डिस्टेंस, देन मेंसुरेशन, देन अलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन ज्योमेट्री, देन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ठीक है जी। गाइज ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे जो एडवांस मैथ्स के अंदर हमारे कवर अप होंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट एंड थर्ड है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर 4 मेथड्स आते हैं। पहला है बार चार्ट्स, सेकंड पाई चार्ट्स, थर्ड लाइन चार्ट्स एंड लास्ट टैबुलेशंस, ठीक है जी। आई होप गाइज आपको सिलेबस पूरा आपने नोट डाउन किया है जो मैंने बताया है, ठीक है। आप अगर सिलेबस नोट डाउन करके रखोगे तो आपको पता होगा मेरा एक सब्जेक्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है इसीलिए इसको पहले करवा रहे हैं, ये आप भूलोगे नहीं कैसे, क्योंकि अगर आप इसको अपनी जैसे स्टडी भी कर रहे हो उसमें इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना इन मेथड्स को, तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमें पहले ये सब्जेक्ट कवर अप करना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में है, ठीक है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये कवर अप करता है। कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है ही है, दैट्स वाई पहले हम इसको आज डाल रहे हैं और अभी हम हमारी स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो स्टडी के साथ साथ इसको स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये और भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय गाइस, लव यू।